डिफेंडिंग चैंपियंस सीएसके। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सीएसके की कौन स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है आरसीबी के पहले मुकाबले में, आज उसकी इस चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की जो है सीएसके टीम की क्या स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बन सकती है आईपीएल 2024, उस चीज की हम लोग चर्चा करेंगे, तो काफी मजा आएगा। तो आप भी सीएसके के बहुत बड़े वाले फैन है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सीएसके टीम की वो क्या 11 खिलाड़ी जो है पूरे आईपीएल में खेलते हैं आपको दिखाई देंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। नॉर्मली दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि डेविन कॉर्मर जो है पूरे आईपीएल नहीं लगभग कुछ मैचों से बाहर हो चुके हैं, तो उनके एब्सेंस में आखिर कौन ओपनिंग करेगा सीएसके की तरफ से, सारा चीज डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो नॉर्मली वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिसका नाम है क्रिक एंड मी। नॉर्मली दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि आईपीएल 2023 की ट्रॉफी जो है जड्डू के छक्के ने हम सभी को जिताया था, और नॉर्मली दोस्तों आईपीएल 2024 भी तैयार है सीएसके के लिए। अब देखने वाली बात होगी क्या सीएसके फिर से आईपीएल कप की ट्रॉफी उठा पाती है महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशिप पे। अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए क्या प्लेइंग 11 रह सकती है सीएसके की, तो नॉर्मली आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो रची रविंद्र, यानी ओडीआई वर्ल्ड कप में धमाल मचाने के बाद, इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाल मचाने के बाद, अब बारी है इनकी आईपीएल में धमाल मचाने के बाद, और इसीलिए दोस्तों धोनी की जो है मास्टरमाइंड ने दोस्तों रची रविंद्र को खरीदा है। उनको पता है दोस्तों कि खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि वक्त वक्त पर मुकाबला बदल सकते हैं और बॉलिंग के साथ साथ दोस्तों बल्लेबाजी भी करेंगे, तो एक्स्ट्रा जो है बेनिफिशियल मिलेगा सीएसके को, जिस कारण से रची रविंद्र पर इन लोगों ने दिमाग लाया, महेंद्र सिंह धोनी ने दिमाग लाया, जिस कारण से रची रविंद्र जो है आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। तो नॉर्मली दोस्तों एक खतरनाक बल्लेबाज रची रविंद्र जो कि आधा इंडियन और आधा बाहर वाले खिलाड़ी हैं, मतलब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, तो नॉर्मली समझ सकते हैं आधा इंडियन आधा न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, तो नॉर्मली ये आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में क्या कही जाए, इसने तो एशियन कप में कैप्टनशिप भी किया, वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज भी हैं, अब प्लस दोस्तों लास्ट सीजन जो है इसने 590 रन भी बनाया है 16 मैच खेलकर सीएसके की तरफ से, और लास्ट मौका मतलब लास्ट सीजन तो विनर ही थी सीएसके, तो नॉर्मली दोस्तों इनका तो रोल बहुत बड़ा रहा ही होगा लास्ट सीजन, तो आप सभी जानते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों गायकवाड़ और रची रविंद्र दोनों ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, यानी RRR, अब प्लस तीसरे नंबर पर भी आपको दिखेंगे आर, यानी कि अजिंक्य रहाणे का भी लास्ट सीजन काफी बेहतर गया था, लगभग 300 प्लस रन बनाया था आईपीएल में, और नॉर्मली दोस्तों और जब से ये सीएसके में आए तो इनका बल्ला बोला मतलब इसका बल्ला काफी था बोलने लगा है, नॉर्मली दोस्तों और सब टीमों की तब से ये खेलते तो उतना बल्ला इनका बोलता नहीं था, जब से सीएसके में महेंद्र सिंह धोनी के अंदर खेलते हैं तो जाहिर सी बात दोस्तों कि इनकी मनोबल काफी ज्यादा बढ़ गया, और शायद जो रहाणे फिर से जो है बमबारी करते हुए दिखाई दे रनों की। नॉर्मली दोस्तों कोई भी खिलाड़ी जो अदर टीम में नहीं चलते हैं वो महेंद्र सिंह धोनी की टीम में आकर चलना स्टार्ट हुए, तो नॉर्मली दोस्तों रयान में भी अलग फॉर्म में ही दिखेंगे, काफी समय से क्रिकेट नहीं खेल रहे तो जाहिर सी बात है जब से महेंद्र सिंह धोनी की टीम में खेलेंगे तो जाहिर सी बात रन बनाने तक कन्फर्म बनता ही है। प्लस आपको चार नंबर पर देखेंगे न्यूजीलैंड के खतरनाक ऑलराउंडर जो कि इस बार डेब्यू करने जा रहे हैं सीएसके की तरफ से, डेरियल मिस्टर। डेरियल मिस्टर के बारे में क्या कहे जाए दोस्तों कि जब इंडिया में ओडिया वर्ल्ड कप था तो इसने काफी ज्यादा धमाल मचाया था, और इंडिया के ही खिलाफ दोस्तों इसने दो बार सेंचुरी भी लगाया था, और बॉलिंग भी काफी अच्छा करते हैं ये टकले मिस्टर, तो नॉर्मली दोस्तों सीएसके की तरफ से डबल फायदा मिलेगा इनको, मिचेल डेरियल मिस्टर बॉलिंग भी करेंगे प्लस दोस्तों बल्लेबाजी भी खतरनाक ये करते ही करते हैं, तो नॉर्मली दोस्तों दोनों फायदा मिलेगा सीएसके को इनकी बल्लेबाजी और बॉलिंग से। सो ये बात होगी चार नंबर पे, और पांच नंबर पे दोस्तों आपको दिखेंगे इंग्लैंड के खतरनाक ऑलराउंडर मोइन अली का भी कहानी दोस्तों कि और सब टीम में जो ये अच्छा नहीं कर पाए थे, नॉर्मली ये पीछे मतलब सीएसके से पहले आरसीबी की तरफ से खेलते थे, नॉर्मली उसमें कुछ खास करते नहीं थे, और जब से इनको सीएसके ने लिया है तो सीएसके की तरफ से ये भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देते हैं, और मैच विनिंग पारी कभी भी खेलते हैं, और ये भी जो है प्लस दोस्तों बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे प्लस बल्लेबाजी भी करते हुए दिखाई देंगे इंग्लैंड के ये बल्लेबाज मोइन अली, पांच नंबर पे आप सभी को। अब बात कर लेते हैं छठे नंबर की, तो छठे नंबर पे आपको दिखेंगे इंडिया के खतरनाक ऑलराउंडर शिवम दुबे, और जब से ये भी सीएसके में आए तो इनका बल्ला जो है काफी ज्यादा बोलने लगा है, और आप सभी को बता दोस्तों कि शिवम दुबे ने लास्ट सीजन जो है 411 रन बनाया था चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, अपल दोस्तों जब इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मुकाबला चला तो उसमें भी इसने जो है काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाया था बॉलिंग से भी और बल्लेबाजी से तो दो मुकाबले में दोस्तों इसने 60 प्लस का स्कोर भी किया था, नॉर्मली दोस्तों इनका बल्ला तो कन्फर्म बोलेगा ही बोलेगा किसकी तरफ से सीएसके की तरफ से, और नॉर्मली पहले मुकाबला आरसीबी से तो आरसीबी को इनसे बच के रहना पड़ेगा, तो इनका बल्ला खूब बोलने वाला है चेपॉक के मैदान में। नॉर्मली अब बात कर लेते हैं सात नंबर की, सात नंबर पर आपको दिखेंगे एमएस धोनी या फिर जड्डू दिख सकते हैं, तो नॉर्मली जड्डू ही दिखेंगे, तो नॉर्मली आपको जड्डू पहले बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। सो आईपीएल 2023 का वो लास्ट छक्का जिसमें कि चार या पांच रन की जरूरत थी चेन्नई सुपर किंग को, और जब लास्ट बॉल पे ऐसा लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी भी शॉक हो गए थे कि हम लोग ये मुकाबले जीतेंगे यही नहीं जीतेंगे, बट दोस्तों लास्ट में जो है जड्डू ने ऐसा छक्का मारा कि सारे के सारे फैंस जो है बस शॉक हो गए, और उस छक्के ने दोस्तों समझ सकते हैं आप लोग चेन्नई को फिर से जो है आईपीएल कप की पांचवीं ट्रॉफी जितवा दी, अब शायद उसी शॉक के साथ जो है आपको जड्डू दिखेंगे
मतलब बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए। प्लस 8 नंबर पर देखें एमएस धोनी, वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन एंड वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर और अपनी टीम को संभाल के रखने वाले खिलाड़ी। एमएस धोनी के सामने हर एक खिलाड़ी, सामने कोई भी टीम हो, सामने कोई भी खिलाड़ी हो, सामने उनकी टीम में कैसे भी खिलाड़ी हो, उनको अगर बेहतरीन तरीके से चलाना है तो वो महेंद्र सिंह धोनी को बिल्कुल अपने तरीके से आता है। और यही जो है मतलब एक तरीके का क्या बोलता हुक्म का इक्का जो है वो चेन्नई सुपर किंग के लिए वो एमएस धोनी है। एमएस धोनी से ही सीएसके जाना जाता है। तो नॉर्मली दोस्तों एमएस धोनी समझ सकते हैं, इनके बारे में कुछ बताने की जरूरी है, तो ये आपको 8 नंबर पर खेलते हुए दिखाई देंगे। 9 नंबर पर आपको दिखाई देंगे इंजरी से काफी समय बाद वापसी कर रहे हैं दीपक चाहर। तो नॉर्मली दोस्तों धोनी इनको जो है पावर प्ले में इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली ये आपको धमाल मचाते हुए दिखाई देंगे 9 नंबर पे। प्लस 10 नंबर पे नॉर्मली दोस्तों ये कोलकाता से इनको वापस चेन्नई सुपर किंग आए हैं शार्दुल ठाकुर। और कोई भी खिलाड़ी जब किसी और टीम में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं करते हैं सीएसके में वापस आते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी के मेंटोर में उनको अलग ही खेलने का मजा मिलता है और वो अच्छा परफॉर्मेंस करके भी दिखाते हैं। तो शार्दुल ठाकुर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ही करेंगे चेन्नई सुपर किंग में। अब बात करते हैं 11 नंबर पर, 11 नंबर पर देखें मतीसा पथिराना, श्रीलंका ही बॉलर हैं और जस्ट लाइक मलिंगा की तरह ही खेलते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों इनका बॉलिंग तो खतरनाक होगा ही होगा, अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों सीएसके की यही प्लेइंग 11 रहने वाले आईपीएल 2024 में एज इंपैक्ट प्लेयर के रूप में किस किस खिलाड़ी को रखा जा सकता है और उस चीज के बारे में चर्चा की जाए तो आप सभी को बता दें कि एज इंपैक्ट प्लेयर के रूप में महेशा दीक्षणा वो खेल सकते हैं, समीर रिजवी खेल सकते हैं, प्लस दोस्तों और सब भी खिलाड़ी हैं। तो नॉर्मली दोस्तों क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मली दोस्तों इन सारे खिलाड़ियों को जो खिलाया जा सकता है ऐसे क्या बोलते हैं भाई इंपैक्ट प्लेयर के रूप में जो कि खिलाया जाता है, ठीक है। नॉर्मली तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब देखने वाली बात होगी सीएसके आईपीएल कप की ट्रॉफी उठा पाती है या नहीं उठा पाती है, वो देखने वाली बातें होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।